हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस वेरी गुड एंड डूइंग वेल, और आप अपने अपने घरों में सेफ होंगे एंड अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सर, हर बार की तरह इस बार मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ स्पंत्रा एंटी एक्ने फेशियल सीरम। सो बेसिकली आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक फेशियल सीरम का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जो कि उन लोगों के स्किन के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है जिनको एक्ने की प्रॉब्लम है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, जिनको स्किन जो है, पोर्स जो है वो क्लॉक हो जाते हैं, डेड सेल्स हैं, और मेन जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है पिंपल्स वगैरह की। लाइक अगर आपको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो इस सीरम की वजह से अगर आप ये सीरम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो, जो मैं सीरम का रिव्यू आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोगों को काफ़ी हद तक आपके पिंपल्स एक्ने वगैरह से निजात मिल जाएगा। लाइक 90% आपको इस सीरम की हेल्प से ही बहुत ही फ़ायदा करेगा। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही मैं अपने कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको कुछ भी पूछना हो या फिर किसी भी चीज़ का रिव्यू चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो स्टार्ट। सो ये है स्पंत्रा ब्रांड का एंटी एक्ने फेशियल सीरम, और इसकी जो क्वांटिटी मिलेगी वो मिलेगी 50 ml, और इसकी जो प्राइस आपको पड़ेगी वो पड़ेगी 550। सो 550 में आपको ये मिल जाएगा, और मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगाया है। मैं आपको लिंक दे दूँगी, अगर आपको परचेस करना होगा तो आप लिंक के थ्रू जाके परचेस कर सकते हो। आपको ये 550 के अंडर में ही मिल जाएगा। सो 50 ml की क्वांटिटी आपको 550 में मिलेगी। इसकी जो मैनुफैक्चरिंग डेट है वो 12/2020 से एजुकेशन सी, और ये आउटर पैकेजिंग है। और ये जो फेशियल सीरम है, बेसिकली ये एंटी एक्ने फेशियल सीरम है। लाइक जिनको भी पिंपल्स की प्रॉब्लम है, एक्ने की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये सीरम डिज़ाइन किया गया है। और ये आपके स्किन को क्लेम किया गया करता है, तो आपके स्किन को इट एक्सपोलिएट्स स्किन क्लैरिफाइंग, रिमूविंग डेड सेल्स, बैलेंस सीबम लेवल, रिमूव जिट्स, पिम्पल्स, एक्ने स्कार। तो ये सारी चीज़ें, ये इन सारी चीज़ों पे वर्क करता है ये सीरम। और जो इंग्रेडिएंट्स है इसमें, जो है नीम है, प्लस तुलसी है, प्लस टी ट्री ऑयल है, प्लस एनेंटियन, प्लस सैलिकैनिक एसिड है, और प्लस हाइड्रोलिक एसिड। तो आप देख सकते हो इन सारी चीज़ों से मिलके ये बना हुआ है सीरम। तो आप सोच सकते हो जब इसमें नीम है, तुलसी है, टी ट्री ऑयल है, तो इन सारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, तो कितना ये बेनिफिशियल होगा, कितना अच्छे से वर्क करेगा आपके स्किन पे, और कैसे बहुत ही ईजी आपके पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम को टैकल कर लेगा ना। अब मैं ये बात करती हूँ कि क्लेम क्या क्या करता है। सो बेसिकली इट इज़ एंटी एक्ने क्विकली एब्जॉर्बिंग नॉन कॉमेडोजोनिक एक्ने बस्टिंग पिंपल ट्रीटमेंट। इट वर्क एज अ पिंपल सीरम बाय बैलेंसिंग सीबम लेवल। सो इट हमारे सीबम लेवल को बैलेंस करता है, हमारे डेड सेल्स को रिमूव करता है, हमारे पोर्स को अनक्लॉक करता है, और ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और आपके स्किन को जेंटली एक्सपोलिएट करता है, और इट इज़ नो नैस्टी केमिकल्स एंड क्विकली सेफ एंड जेंटल ऑन स्किन। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिया है, आप देख सकते हो ये, एंड डायरेक्शन फॉर यूज़ मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ। सो वॉश योर फेस एंड पैड ड्राई विथ क्लीन ड्राई क्लॉथ, टेक टू थ्री ऑफ द कंसनट्रेटेड सीरम। सो बेसिकली अपने फेस को वॉश करना है, ड्राई होने देना है, उसके बाद 2-3 ड्रॉप आप इस सीरम का ले लो, अपने फेस पे लगा लो, जैसे आप नॉर्मल सीरम यूज़ करते हो। उसके बाद अपना मॉइस्चराइजर या फिर जो भी आपको अपने स्किन केयर में करना है वो यूज़ कर सकते हो। सो इसको आपको ऐसे अप्लाई करना है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी आउटर पैकेजिंग। आउटर पैकेजिंग है इसकी, आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे ड्रॉप मिल जाएगा, जिससे आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा है ये, और इस प्राइस रेंज में, मतलब इतना मुझे नहीं लगता कि मिलेगा इस प्राइस रेंज में। और अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि ये कंसिस्टेंसी में कैसा है, किस कंसिस्टेंसी का है। सो इसकी जो पूरा फुल है ये, और इसकी मैं कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, तो थोड़ी सी ये थिक कंसिस्टेंसी में है, और मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हो थोड़ा सा ये वाइट वाला कंसिस्टेंसी है, और थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी थिक है, जैसे कि ऑलमोस्ट सीरम की होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑयल का कॉम्बिनेशन है। और आप देख सकते हो बहुत ही ईजिली ये आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा। यू कैन सी स्मेल काफ़ी अच्छा है, मतलब स्मेल आपको टी ट्री वाला आएगा, नीम आएगा, तुलसी आएगा, तो ये सारी चीज़ों से मिलकर बना, तो वैसा ही स्मेल है आयुर्वेदिक वाला। सो स्मेल ऐसा है और ऐसा है, आपको दिखेगा वाइट की कंसिस्टेंसी में है। सो इसको मुझे यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका है, और आप देख सकते हो मेरी स्किन अभी कैसी है।
सो मैं इसको रेगुलरली यूज़ करती हूँ, नाइट में भी और डे में भी, और बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है मेरे फेस पे। लाइक मैं जो सीरम यूज़ करती थी उसको मैंने भी स्किप करके इसको यूज़ करना शुरू किया है, और ट्रस्ट मी मेरे को पिंपल्स की प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, मार्क्स वगैरह भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुके हैं, और ऑयली स्किन थी मेरी वो भी अभी कम हो गई है। लाइक अब उतना ऑयल नहीं आता है मेरे फेस पे, और आप देख सकते हो पहले से मेरा स्किन टेक्स्चर काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। सो मुझे ये ओवरऑल अच्छा लगा प्रोडक्ट, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँ इसका। सो आई होप कि मेरा छोटा सा रिव्यू आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।